तीरथ सिंह रावत जो हैं बड़े बयानवीर मुख्यमंत्री रहे, अपने बयानों के जरिए कैसे वो चर्चा में रहे और उनके तमाम जो विवादित बयान थे वो जरा देख लेते हैं, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत को उनके पद से हटाने के पीछे उनके ये विवादित बयान भी जिम्मेदार हो सकते हैं। सुनिए। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी, जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गंभूर थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था या कहते थे, लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया, 3.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। कुंभ हरिद्वार में ही होता है, 12 साल में होता है, बार बार नहीं होता है। बनारस होता उज्जैन होता है, बनारस होता उज्जैन होता है, बनारस होता उज्जैन होता है। यह इसलिए यह भव्य दिव्या होना चाहिए। उत्तराखंड में सियासी बदलाव पर जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं वो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सतीश जी सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आपने कोई मौका ही नहीं दिया तीरथ सिंह रावत को, थोड़ा सा मौका तो दे देते कम से कम, आप चुनाव आयोग से बात तो करते कम से कम चुनाव कराने की। रूप से पार्टी ने सारे परीक्षण किए, सारे रूप में देखा कि जब संभव नहीं था, इसको कई बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। रिपीट इसलिए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा लोगों को, आप जो बातें कह रहे हैं या बीजेपी की तरफ से जो बात कही जा रही है वो थोड़ी सी इसलिए समझ में नहीं आ पा रही है क्योंकि इसके कई पक्ष थे जिसके जरिए तीरथ सिंह रावत के जरिए आप एक फेस लेकर के चुनाव लड़ सकते थे विधानसभा का, लेकिन आपने उस फेस को पीछे किया और नया चेहरा लेकर आए। ये आपका आकलन हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी आकलन नहीं है। तीरथ जी को पूरे कार्यकाल के लिए बनाया था, जो शेष कार्यकाल था, जब वो सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं कैसे हो सकता है, कैसे संभव है कि वो विधायक न रहते हुए पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे? नहीं तो फिर क्या वजह थी कि आपने 4 महीने पूरे भी नहीं करने दिए तीरथ सिंह रावत को, और जिन विवादित बयानों का हम जिक्र कर रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, ये क्या बिल्कुल वजह नहीं थे? आप इससे इनकार कर रहे हैं या फिर पार्टी को यह लगने लगा था कि ऐसे विवादित बयानवीर के चेहरे के साथ अगर हम विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, अब एक एक बयान को लेकर उतना समय होगा नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा बयान दिया गया था, शिष्टा जो संस्कारों वगैरह को लेकर उन्होंने बोला था उसको दूसरे रूप में जैसे हमारी बहन इसको बता रही है, और वो बहन बता रही है कि इतनों के नाम चल रहे थे, अरे तंदूर में आप महिलाओं को जलाने वाले, टंचमाल कहने वाले, इतनी लंबी फेरिस्त है, पूरी डिबेट कम पड़ जाएगी। आप इस तरीके से केवल डिबेट में किस व्यक्ति को क्या चिन्हित करना है, अगर ऐसा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था थी, हमने चेहरा चेंज किया, मगर तीरथ सिंह रावत जी को लेकर के आप जानकार हैं और यहाँ तो कानूनविद बैठे हुए हैं, जब संभव नहीं है एक व्यक्ति को, पहले बनी बनाई परंपराएं हैं कि 6 माह के भीतर उन्हें सदन में आना है। अच्छा चलिए आप ये बता दीजिए कि अब तो देखिए उत्तराखंड की सरकार का 8 महीने का ही कार्यकाल ले देकर बचा है, तो धामी साहब के चेहरे पर आप लोग 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तराखंड में, ये तो तय माने या नहीं? अमित साहब का चेहरा है, पूरे भारतीय जनता पार्टी का काम है, मोदी सरकार का नेतृत्व है, डबल इंजन के यहाँ काम चल रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में दिख रहा है। अभी तक हमारी बहन जिस तरीके से फेहरिस्त गिरा रही थी, आज पहली बार ऑल वेदर रोड बन रही है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल आ रही है, पूरे उत्तराखंड में विकास के काम चल रहे हैं। लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है कि हर व्यक्ति को अपने आसपास विकास और बदलता हुआ उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम अगर कहें कि मात्र धामी जी, उनके साथ पूरी पार्टी है। अलका लांबा जी कुछ ऐड करना चाह रही हैं, अलका लांबा जी क्या कह रही हैं आप जरा बताइए, और ये कोई उत्तराखंड में पहली बार तो हो नहीं रहा है, कोई भी मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता है, एक एनडी तिवारी को छोड़ दीजिए, ये तो स्टेट का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। देखिए 12 सालों में भाजपा ने अपना 8वां मुख्यमंत्री दिया 12 सालों में, और मैंने आपको राज्य गिना रही थी, आपने बीच में रोक दिया, मैं दोबारा एक बार मुझे पूरा करने दीजिए। आप दिल्ली देखिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, एक ही टेन्योर में 3 दिन मुख्यमंत्री बदले, इन्होंने म्यूजिकल चेयर बनाकर रखा हुआ है कि मुख्यमंत्री बदलते जाओ और जो सबसे ज्यादा मिलाई दिल्ली तक पहुंचाएगा वो बना रहेगा। क्या मजबूरी थी,
त्रिवेंद्र सिंह रावत 4.5 साल पूरे किए थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, मजबूरी थी, हटाना पड़ा। अब आप जो विधायक नहीं था त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब तीरथ सिंह रावत जी को लेकर आ गए। उस समय आपको पूरे मंत्रिमंडल में कोई नहीं दिखा, पूरे 57 विधायकों में से कोई ईमानदार सक्षम नहीं दिखा, और इन्हें आपने काली टोपी संघ की देखी और उसी को आपने उसकी योग्यता मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा तो उत्तराखंड में कांग्रेस की भी रही है। 2013 में आपने विजय बहुगुणा को हटाया तो हरीश रावत को लेकर आए थे। उत्तराखंड में 11% है बेरोजगारी दर, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मंत्री बदलने की परंपरा तो आपने भी निभाई है ना। 4 करोड़ रुपया कर्ज का किसानों पे कर्ज है अलका जी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि परंपरा तो आपकी पार्टी भी निभाती रही है उत्तराखंड में। और नितिन गडकरी जी यहाँ से कहते हैं नेशनल हाईवे 74 की जांच कराएगी अगर उत्तराखंड की सरकार, तो वहाँ के प्रोजेक्ट रोक दिए जाएंगे, इसलिए वहाँ पर भ्रष्टाचार की जांच नहीं होती है। बलात्कार में इनके विधायक शामिल पाए जाते फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।